वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है गवर्नमेंट ऑफ गोवा में मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जाम्स लिए गए थे जो पीएससी गोवा के द्वारा लिया गया था। तो उसका क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ फ्रेंड्स, फाइनल आंसर के। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स फाइनल आंसर के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट को हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, या फिर अदर फील्ड के हो, तो आप सभी का क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड दिया हुआ है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है अर्लीस्ट फीचर ऑफ जीरोप्थैल्मिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर पहले ही शो कर रहा है। तो जीरोप्थैल्मिया का जो अर्लीस्ट सबसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं वह होता है नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पार्टिकुलर लिम्फ नोड मे बी इनलार्ज इन ऑल एक्सेप्ट्स। तो जो लिम्फ नोड होता है सभी इनलार्ज हो जाते हैं सिवाय एक के, ऑप्शन नंबर ए बैक्टेरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड चलमाडिया कंजक्टिवाइटिस। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर सी, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में लिम्फ नोड लार्ज नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। थर्ड, सन रे अपीयरेंस इन एक्सरे इज सीन इन, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियो सार्कोमा, एविंग्स सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड ऑस्टियो क्लास्टोमा। तो आप यहां देखें फ्रेंड्स कि यहां जो क्वेश्चन है वो कॉमन सभी के लिए आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, ऑस्टियो सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल पंच्ड आउट होल्स इन स्कल एक्सरे सीन इन मल्टीपल माइलोमा, थैलेसीमिया मेजर, एक्रोमेगली एंड ऑस्टियो पेट्रोसिस। तो जो स्कल में होल दिखते हैं, पंक्चर्ड आउट होल जो दिखते हैं वह कब दिखाई देते हैं? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, मल्टीपल माइलोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ अस्थमा। अगर 1 साल का बच्चा जो अस्थमा से पीड़ित है तो उसके लिए जो मोड ट्रीटमेंट का जो कॉमन मोड होता है, मोस्टली यूज किया जाने वाला कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट, ओरल शॉर्ट एक्टिंग थियोफाइलिन, ओरल कीटोटिफिन एंड ल्यूकोट्रेरिन एगोनिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे अधिक जो उपयोग करने वाला जो ट्रीटमेंट होगा वह होगा आंसर नंबर ए, इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट। तो उसको सुंघाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6, अ प्रीवियसली हेल्दी एक्टिव 18 मंथ ओल्ड प्रेजेंट विथ यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस एंड फॉल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज, द एग्जामिनेशन इज अदरवाइज अनरिमार्केबल, ऑप्शन नंबर ए फ्रोजन बॉडी, नेजल पॉलिप्स, फ्रंटल साइनसिटिस एंड कोनल एट्रेसिया। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए फ्रोजन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी इज प्रिसिपिटेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट्स, ऑप्शन नंबर ए डैप्सोन, सेप्ट्रॉन, क्विनिन एंड पेनिसिलिन। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी पेनिसिलिन। तो आप यहां देखेंगे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो स्टाफ नर्स के लिए भी है और लैब टेक्निशियन के लिए भी है। तो इस तरीके से कॉमन सभी के लिए है। तो इस वीडियो को आप सभी देखेंगे, इसलिए काफी अच्छा वीडियो है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट एंटी रेबीज वैक्सीन इज। तो एंटी रेबीज वैक्सीन जो होता है, रेबीज आप सभी को पता है कि जब रेबीज जो होता है रेबीज वायरस के कारण होता है, जैसे हम जंगली जानवर के काट लेने से अधिकतर रेबीज होने के चांसेस होते हैं, जैसे पागल कुत्ते के काटने से लगभग रेबीज ही हो जाते हैं, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंपल वैक्सीन, डक एम्ब्रियो वैक्सीन, HDC वैक्सीन एंड फ्लरी वैक्सीन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर सी, HDC वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन इसको नाम से जाना जाता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल HDC का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द वेक्टर ऑफ जेपेनिस बी वायरस इज, जेपेनिस बी वायरस पेडीफील्ड, मिक्स्ड गार्बेज, कूलर वाटर एंड स्टेल फूड। तो इसका जो बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो जापानीज बी वायरस होते हैं उसके लिए, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पेडी फील्ड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ KFD, KFD इज, ऑप्शन नंबर ए फ्लाई, बी माइट, सी टिक एंड डी लॉस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स एक KDF क्या होता है, तो KFD क्या होता है, तो जो KFD होता है क्या सनूर फॉरेस्ट डिजीज, जो फ्रेंड्स हमारे साउथ इंडिया में लगभग पाए जाते हैं और ये एक हेमरेज वेक्टर जनित जो रोग होता है वह टिक के कारण फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्टली रैपिडली एक्टिंग बैक्टेरिसाइडल ड्रग फॉर माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे इज, तो रैपिडली जो होता है बैक्टीरियल ड्रग्स जो यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए डेप्सोन, बी क्लोफाजिमिन, सी इथियोनामाइड एंड डी रिफामसिन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हुआ है आंसर नंबर डी रिफामसिन। एंड जो फ्रेंड माइक्रो बैक्टेरियम जो लेप्रे होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे मुख्य औषधि होती है वह होती है डेप्सोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए बेबी फेड ऑन काउज मिल्क्स ओनली इज लाइकली टू डेवलप, ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी, बी रिकेट्स, सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड डी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज में कौन सा आ जाता है, तो यह होता है हाइडेटिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द रिकमेंडेड कॉन्टेंट्स ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट एट द कंज्यूमर लेवल इज, तो कंज्यूमर लेवल जो सॉल्ट होता है वो कितना ppm होते हैं, 10, 15, 20 एंड 30। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह होता है 15 ppm, जो नॉर्मल आयोडीन जो सॉल्ट होता है उसमें ppm 15 जो माना जाता है वो करेक्ट माना जाता है कंज्यूमर लेवल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलिस मॉस्किटो ले एग्स इन, तो एनाफिलिस मॉस्किटो कहाँ एग्स देता है, क्लियर वाटर, क्लोरिनेटेड वाटर, रनिंग वाटर एंड वाटर लॉग्ड डर्टी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यह क्लियर वाटर पे देते हैं, और क्लियर वाटर पे इसलिए देते हैं क्योंकि इसके जो एग्स होते हैं तो इनको फिर बाद में जब ये लार्वा बनते हैं तो लार्वा को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन की जरूरत के लिए ये पानी की सतह पे ऊपर आते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। इस तरीके से इनका आपको अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह एनाफिलिस मॉस्किटो के एग्स हैं और लार्वा हैं। और साथ में फ्रेंड्स यह डर्टी वाटर में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन के लिए इनके लिए पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाएगा, ये मतलब वहाँ श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, क्लोरिनेटेड में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्यूरिफाइड हो जाती है क्लोरीन से, और रनिंग वाटर में भी कर सकते हैं क्योंकि रनिंग वाटर में एक स्थाई नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह होगा क्लियर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग मूव्स विद प्रोट्यूरिशन ऑफ द टंग, थायरोग्लोसल सिस्ट, ब्रैंकियल सिस्ट, रिनुला या फिर ओडोनटोजेनिक सिस्ट। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए थायरोग्लोसल सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ट मेथड टू डायग्नोस टाइफाइड इन द फर्स्ट वीक्स, ऑप्शन नंबर ए ब्लड कल्चर, बी विडाल टेस्ट, यूरिन कल्चर,
स्टल टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड फीवर के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है विडाल टेस्ट। बट यहाँ क्वेश्चंस पूछा गया है बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस टाइफाइड इन फर्स्ट वीक्स। फर्स्ट जब वीक होता है उस वीक्स में ब्लड कल्चर के माध्यम से टाइफाइड का अच्छे से डायग्नोसिस होते हैं। जब एक सप्ताह हो जाता है, जब फीवर अगर एक सप्ताह हो जाता है तब उसके बाद विडाल टेस्ट करते हैं तो उसमें उसका पता चलेगा। इसलिए जो बेस्ट मेथड माना जाएगा वह ब्लड कल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंजाइम रेस्ट इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो एंजाइम बढ़ जाते हैं ALT, AST, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड LDH, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, एल्कलाइन फॉस्फेट। नेक्स्ट, कार्डिवेजाइनल डिस्चार्ज सीन इन, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कार्डिडियासिस, ट्राइकोमोनास एंड चलमाडिया। करेक्ट आंसर कैंडिडाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस इज, तो डेंगू वायरस का वेक्टर कौन होता है, एनाफिलिस कुलसिफेसिस, एडिस एजिप्टी, ए स्टेफेंसिस एंड क्यूलेक्स मोलेस्टिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर बी आएगा फ्रेंड्स, एडिस एजिप्टी के कारण जो डेंगू वायरस का वाहक का कार्य करते हैं एडिस एजिप्टी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।